नमस्कार, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन व दुग्ध विज्ञान। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाय की नस्लें, और गाय की नस्लों और अन्य जो नस्लें हैं उनमें से हर बार जेट, ICAR, BHU, PAT और जितने भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें हर बार इनसे सवाल आता ही है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, और पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं देसी गाय की नस्लें। देसी गाय की नस्लें पढ़ने वाले हैं, उसमें देसी गाय की जो नस्लें हैं इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है दूध देने वाली नस्लें, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विप्रयोजनी नस्लें या दोहरे उद्देश्य की नस्लें, जैसे जो दूध भी अच्छा देती है और कृषि कार्य भी अच्छा करती है। और फिर उसके बाद में तीसरी जो नस्लें पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे भारवाही नस्लें जो कृषि काम के लिए उपयोगी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध देने वाली नस्लें। दूध देने वाली नस्लें कौन कौन सी है? सबसे पहली नस्ल है सिंधी, फिर इसके बाद में है साहिवाल, फिर इसके बाद में गिर, फिर इसके बाद में देवनी, फिर इसके बाद में राठी। सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो इस वीडियो में जो हम नस्लें पढ़ेंगे वो सिर्फ मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बताऊँगा, और इससे आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं सभी जो नस्लें हैं उनको डिस्क्राइब करके बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा साथ में कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और पीछे जेट और BHU और ICAR में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि कौन सी नस्लें विदेशी हैं, कौन सी नस्लें दूध देने वाली हैं, कौन सी देसी नस्लें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध देने वाली नस्ल में सबसे पहले है सिंधी नस्ल, फिर इसके बाद में है साहिवाल, फिर इसके बाद में गिर, फिर इसके बाद में देवनी और फिर इसके बाद में राठी। ये पांच नस्लें हैं। ये पांचों नस्लें कौन सी हैं? दूध देने वाली देसी नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं? दूध देने वाली देसी नस्लें कौन कौन सी, एक बार फिर से देखिए, सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी और राठी। अब मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताऊंगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सीसा गिरा देव रूठा। अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, सीसा गिरा देव रूठा। बस इतना सा याद रखना है आपको, सीसा गिरा देव रूठा। अब इससे क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिंधी, सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा साहिवाल, गिरा से क्या हो जाएगा, गिरा से हो जाएगा गिर, फिर उसके बाद में देव से क्या हो जाएगा, देव से हो जाएगा देवनी, और फिर रूठा से क्या हो जाएगा, रूठा से हो जाएगा राठी। तो सीसा गिरा देव रूठा, ये चार शब्द आपको याद रखने हैं। इन चारों में आपकी पांचों नस्लें आ गई जो दूध देने वाली होती हैं। ट्रिक को एक बार फिर से देखिए, सीसा गिरा देव रूठा, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा सिंधी, सा का क्या हो जाएगा, सा का हो जाएगा साहिवाल, गिर का क्या हो जाएगा, गिरा का क्या हो जाएगा गिर, और देव का क्या हो जाएगा देवनी, और रूठा का राठी। तो आपको इतना सा याद रखना है सिर्फ ट्रिक में, सीसा गिरा देव रूठा। फिर आप जैसे ही आप सीसा गिरा देव रूठा आपको दिमाग में आएगा, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि सी का मतलब था सिंधी, सा का मतलब था साहिवाल, गिरा का मतलब था गिर, और देव का मतलब था देवनी, और रूठा का मतलब था राठी। अब ये तो ट्रिक हो गई, अब आप याद कैसे करोगे कि ये दूध देने वाली है, द्विप्रयोजनी है या फिर भारवाही है? तो यहाँ पर सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देव यानी कि शंकर भगवान या भगवान शिव महादेव, उनको क्या चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो इससे याद रख लेना, जहाँ जिसमें देव आ रहा है यानी कि भगवान का नाम आ रहा है, भगवान को दूध अर्पित किया जाता है शंकर भगवान को, तो याद रख लेना कि जो महादेव हैं उसके नाम से याद रख लेना कि ये सारी दूध देने वाली नस्लें हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रिक है सीसा गिरा देव रूठा, सी का मतलब क्या हो जाएगा सिंधी, सा का मतलब क्या हो जाएगा साहिवाल, गिरा का मतलब क्या हो जाएगा गिर, देव का मतलब क्या हो जाएगा देवनी, रूठा का मतलब क्या हो जाएगा राठी। तो सीसा गिरा देव रूठा, ये ट्रिक है दूध देने वाली नस्लों की, दूध देने वाली जो देसी नस्लें हैं उसकी ये ट्रिक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो महादेव होते हैं शंकर भगवान, उनको दूध अर्पित किया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, तो उससे ध्यान रख लेना कि ये जो सारी नस्लें हैं ये कौन सी है, दूध देने वाली नस्लें हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब दूसरी जो नस्लें हैं वो है बहुउद्देश्य नस्लें, इनको द्विप्रयोजनी नस्लें भी बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि बहुप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, तो बहुप्रयोजनी और द्विउद्देश्य दोनों एक ही बात है। तो अब इनमें कौन कौन सी है, नंबर एक पे है थारपारकर, नंबर दो पे है हरियाणा, नंबर तीन पे है कांकरेज, नंबर चार पे निमाड़ी, नंबर पाँच पे अंगोल, नंबर छः पे मेवाती, इसका दूसरा नाम है कोसी।
फिर इसके बाद में नंबर सात पे है कृष्णावेली और नंबर आठ पर क्या है डांगी, नंबर आठ पर क्या है डांगी। तो ये इसकी आठ नस्लें एक बार फिर से देखिए, नंबर एक पे है थारपारकर, नंबर दो पे है हरियाणा, नंबर तीन पे कांकरेज, नंबर चार पे है मेवाड़ी, नंबर पाँच पे है अंगोल, नंबर छः पे है मेवाती जिसका दूसरा नाम क्या है कोसी, और नंबर सात पे है कृष्णावेली और नंबर आठ पे क्या है डांगी। अब दोस्तों इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, इसकी ट्रिक क्या है अथक में हरी के निम्बाड़ी, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक, इसमें क्या लिखा हुआ है अथक में हरी के निम्बाड़ी, क्या लिखा हुआ है अथक में हरी के निम्बाड़ी। अब इसका मतलब बताता हूँ, ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अंगोल, कौन सी नस्ल हो जाएगी ए से क्या हो जाएगा अंगोल, फिर थे से क्या हो जाएगा, थे से हो जाएगा थारपारकर, थे से क्या हो जाएगा थारपारकर, फिर उसके बाद में के से क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा कांकरेज, क्या हो जाएगा कांकरेज, फिर इसके बाद में नेक्स्ट मे से क्या हो जाएगा मेवाती, मेवाती का दूसरा नाम क्या है कोसी, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हरी, हरी से क्या हो जाएगा, हरी से हो जाएगा हरियाणा, फिर इसके बाद में के से क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा कृष्णावेली, फिर इसके बाद में लास्ट है निम्बाड़ी, निम्बाड़ी खुद ही नस्ल है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर याद रखने की, फिर इसके बाद में लास्ट में आ रहा है डी, डी से क्या हो जाएगा डांगी, क्या हो जाएगा डी से क्या हो जाएगा डांगी। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, क्या है अथक में हरी के निम्बाड़ी, क्या है अथक में हरी के निम्बाड़ी, इसमें क्या है ए से क्या हो जाएगा अंगोल, थे से क्या हो जाएगा थारपारकर, के से क्या हो जाएगा कांकरेज, मे से क्या हो जाएगा मेवाती, और हरी से क्या हो जाएगा हरियाणा, और के से क्या हो जाएगा कृष्णावेली, और निम्बाड़ी खुद ही एक नस्ल है, और उसके बाद में डे से क्या हो जाएगा डांगी। तो ये इंपॉर्टेंट नस्लें थी, मुख्य नस्लें थी किसकी, बहुउद्देशीय नस्लें थी जो दूध भी देती है, दूध देने के साथ साथ ये कृषि कार्य भी करती है। तो अब इसको याद कैसे रखोगे कि ये नस्लें दूध देने वाली है या ये भारवाही नस्लें हैं या बहुउद्देशीय नस्लें हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नस्लें दी गई हैं, यानी कि ज़्यादा नस्लें हैं तो काम भी ज़्यादा ही करेगी, यानी कि बहुउद्देशीय काम करेगी। तो जो ज़्यादा नस्लें हैं वो क्या करेगी, बहुउद्देशीय वाली नस्लें हैं। देखो कितनी नस्लें, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ खुद, तो आठ नस्लें यहाँ पर हैं, तो आठ नस्लें हैं यानी कि ये ज़्यादा नस्लें हैं, ज़्यादा नस्लें हैं तो ज़्यादा नस्लें क्या करेगी, ज़्यादा प्रकार के काम कर सकती है। तो इस तरीके से याद रख लेना कि जो ज़्यादा नस्लें थी वो ज़्यादा प्रकार के काम कर रही थी, यानी कि बहुउद्देश्य थी या द्विप्रयोजनी थी। चलिए इस ट्रिक को एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अथक में हरी के निम्बाड़ी, जिसमें ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है अंगोल, थे का मतलब है थारपारकर, के का मतलब है कांकरेज, मे का मतलब है मेवाती, हरी का मतलब है हरियाणा, के का मतलब है कृष्णावेली, और निम्बाड़ी का खुद एक नस्ल है, और लास्ट में आ रहा है डी, तो उससे क्या हो जाएगा डांगी, क्या हो जाएगा डांगी। तो ये नस्लें थी बहुउद्देशीय या द्विप्रयोजनी, याद कैसे रखना है इनको, देखो ये सबसे अधिक हैं, संख्या में आठ हैं और बहुत हैं, तो इसे याद रख लेना कि द्विप्रयोजनी नस्लें हैं और एक से अधिक काम कर सकती हैं, दूध भी अच्छा देती हैं और कृषि कार्य भी अच्छा करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रकार की जो नस्लें हैं वो नस्लें हैं भारवाही नस्लें, कौन सी नस्लें हैं भारवाही नस्लें या कृषि कार्य करने वाली नस्लें भी इनको बोला जाता है, कृषि कार्य करने वाली नस्लें भी इनको बोला जाता है। इसमें नंबर पहली है होलिकर, फिर उसके बाद में दूसरी है मालवी, फिर उसके बाद में तीसरी है नागौरी, फिर उसके बाद में चौथी है खिलेरी, फिर उसके बाद में पांचवी है अमृत महल। एक बार फिर से देखते हैं, नंबर एक पे है होलिकर, नंबर दो पे है मालवी, नंबर तीन पे है नागौरी, नंबर चार पे है खिलेरी, और नंबर पाँच पे है अमृत महल। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है होली में नागौरी अमृत महल में खेली, होली में नागौरी अमृत महल में खेली। अब इसको ध्यान से समझते हैं, देखते हैं, देखो ट्रिक क्या है, होली में नागौरी अमृत महल में खेली। अब होली से क्या हो जाएगा, होली से हो जाएगा होलिकर, होली से क्या हो जाएगा, होली से हो जाएगा होलिकर, फिर मे से क्या हो जाएगा, मे से हो जाएगा मालवी, मे से क्या हो जाएगा मालवी, फिर नागौरी खुद एक नस्ल है तो नागौरी हो जाएगा यहाँ पर, फिर अमृत महल ये खुद एक नस्ल है तो अमृत महल हो गया यहाँ पर, फिर इसके बाद में मे से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, फिर इसके बाद में खेली से क्या हो जाएगा खिलेरी, खेली से क्या हो जाएगा खिलेरी। एक बार फिर से देखते हैं, ट्रिक है होली में नागौरी अमृत महल में खेली, होली में नागौरी अमृत महल में खेली। इसमें होली में होली का क्या हो जाएगा होलिकर, मेक का हो जाएगा मालवी, नागौरी का हो जाएगा नागौरी, और अमृत महल का हो जाएगा अमृत महल, और खेली से क्या हो जाएगा खिलेरी। तो ये तीसरी प्रकार की नस्ल थी जो भारवाही नस्ल थी या कृषि कार्य करने वाली नस्ल थी।
इसकी ये ट्रिक थी, बिल्कुल ट्रिक बाय ट्रिक आपको समझाने की मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। प्लीज़ एक बार चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके आगे भी बहुत ट्रिक्स वाली वीडियो आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, ताकि आप उनको मिस ना कर सको। इसलिए वीडियो को यहाँ से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब बात करते हैं विदेशी गाय की नस्लें। विदेशी गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं? इसमें नंबर एक पे है ब्राउन स्विस, नंबर दो पे है जर्सी, नंबर तीन पे है रेड डेन और नंबर चार पे है होलस्टन फिजियन। नंबर चार पे कौन सी है? होलस्टन फिजियन। नंबर एक पे है ब्राउन स्विस, नंबर दो पे है जर्सी, नंबर तीन पे है रेड डेन और नंबर चार पे है होलस्टन फिजियन। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बार बताना चाहूंगा मैं। देखो, विदेशी गाय की नस्लों में जो सबसे अधिक दूध उत्पादन देती है वो कौन देती है? होलस्टन फिजियन। कौन देती है? होलस्टन फिजियन सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विदेशी गाय की नस्लों में सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है, तो आपको जवाब देना है जर्सी। यानी कि जो विदेशी गाय की नस्लें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा वसा तो होती है जर्सी गाय के दूध में, और जो दूध उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? होलस्टन फिजियन का होता है। किसका होता है? होलस्टन फिजियन का होता है। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। इसकी ट्रिक क्या है? ब्राउन जर्सी रेड हो गई। ये इसकी ट्रिक है। इसमें ब्राउन से क्या हो जाएगा? ब्राउन से ब्राउन हो गया, जर्सी से जर्सी हो गया, रेड से रेड डेन हो गई और हो से होलस्टीन हो गई। हो से क्या हो गई? होलस्टीन हो गई। तो ये चार नस्लें थी, चारों विदेशी नस्लें हैं। इनमें से एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, जो जर्सी नस्लें हैं वो सबसे अधिक उसके दूध में वसा पाई जाती है, 6%। ठीक है, विदेशी गाय की नस्लों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। विदेशी गाय की जो नस्लें होती है उनमें सबसे अधिक जर्सी की गाय के दूध में वसा पाई जाती है, 6%। फिर इसके बाद में अगर सबसे अधिक दूध उत्पादन देखा जाए विदेशी गाय की नस्लों का, तो होलस्टीन फिजियन का होता है। किसका होता है? होलस्टीन फिजियन का होता है। अब इन नस्लों को आप पहचानोगे कैसे कि ये विदेशी हैं या देसी हैं? तो देखो, यहाँ पर सारे नाम ही आपको विदेशी लग रहे हैं। ब्राउन, इंग्लिश नाम लग रहे हैं सारे, ब्राउन, जर्सी, रेड, होलस्टीन, ये सारे विदेशी नाम है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये विदेशी गाय की नस्लें हैं। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आता है तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक दी गई है। देखो, ब्राउन जर्सी रेड हो गई, तो ब्राउन से आपको याद रख लेना ब्राउन स्विस, जर्सी से आपको याद रख लेना जर्सी खुद है, रेड से आपको याद रखने रहा रेड डेन, हो से आपको याद रखने रहा होलस्टीन फ्रीजियन। तो ये विदेशी गाय की नस्लें थी। चलो, अब बात करते हैं संकर गाय की नस्लों की, यानी कि जो गाय की संकर नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको किन किन नस्लों के संकरण करा के तैयार किया गया है। तो नंबर एक में है करण स्विस। करण स्विस किसके संकरण से तैयार की गई है? ब्राउन स्विस नस्ल के नर और साहिवाल नस्ल की मादा, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया, और इनके संकरण करवाने के बाद में जो नस्ल या संतति प्राप्त हुई वो कौन सी प्राप्त हुई? करण स्विस। कौन सी प्राप्त हुई? करण स्विस। फिर इसके बाद में दूसरी नस्ल देखते हैं करण फ्रीज। होलस्टीन फ्रीजियन के नर और थारपारकर नस्ल की मादा, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया, तो इन दोनों के बीच में संकरण करवाने से कौन सी नस्ल प्राप्त हुई? करण फ्रिज। ये दोनों ही नस्लें कहाँ पर विकसित की गई हैं? NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है, और करनाल हरियाणा में इन दोनों नस्लों को विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन तीन प्रकार से आता है, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, जिससे आपको बिल्कुल ईजी वे में याद हो जाएगा। तो चलिए, ये संकर नस्लें थी। अब देखते हैं इन नस्लों में से क्वेश्चन पीछे जेट और ICRBHU और एग्रीकल्चर के एग्जाम में किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न पीछे एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, और इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आगे, इनके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गाय की करण फ्रिज नस्ल किस किस नस्ल के संकरण से विकसित की गई है? गाय की करण फ्रिज नस्ल किस किस नस्ल के संकरण से विकसित की गई है? ऑप्शन की तरफ बढ़ते, ऑप्शन ए है ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, ऑप्शन बी है ब्राउन स्विस इंटू नागोरी, ऑप्शन सी है होलस्टीन फ्रीजियन इंटू थारपारकर, और ऑप्शन डी है होलस्टीन फ्रीजियन इंटू साहिवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा होलस्टीन फ्रीजियन इंटू थारपारकर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो करण फ्रिज नस्ल है उसके माता पिता कौन है? होलस्टीन फ्रीजियन इंटू थारपारकर, यानी कि होलस्टीन फ्रीजियन नस्ल के नर और थारपारकर नस्ल की मादा, इन दोनों के संकरण कराने से कौन सी नस्ल पैदा हुई थी? करण फ्रिज नस्ल पैदा हुई थी। फिर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, गाय की करण स्विस नस्ल किस किस नस्ल के संकरण से विकसित हुई है? अब यहाँ पर करण फ्रिज था, अब यहाँ पर पूछा है करण स्विस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसमें मैंने 7 या 8 क्वेश्चन ऐड किए हैं, और ये सातों के सातों पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग हर एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एक बार, प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि मोटिवेट होता रहूँ मैं। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, गाय की करण स्विस नस्ल किस किस नस्ल के संकरण से विकसित की गई। ऑप्शन ए ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, ऑप्शन बी ब्राउन स्विस इंटू नागोरी, ऑप्शन सी होलस्टन फ्रीजियन इंटू थारपारकर और ऑप्शन डी होलस्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, यानी कि जो करण स्विस नस्ल है वो किस किस नस्ल के संकरण से तैयार हुई है। ब्राउन स्विस नस्ल के नर और साहिवाल नस्ल की मादा, इन दोनों के संकरण से करण स्विस नस्ल उत्पन्न हुई है। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल दुधारू है। इस प्रकार के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और सही नहीं कर पाते हैं। गाय की जगह भैंस कर देते हैं, दुधारू की जगह भारवाई कर देते हैं और भारवाई की जगह द्विप्रयोजनी कर देते हैं। तो इनको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, गाय निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल दुधारू है। ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी होलिकर, ऑप्शन सी गिर और ऑप्शन डी मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधारू पूछा है तो क्या हो जाएगा गिर। अब इसी सवाल में मैं आपको दो तीन सवाल और बताना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सबसे अधिक कृषि कार्य करने के लिए किस नस्ल के या किस नस्ल के पशु काम में लिए जाते हैं, तो नागौरी। क्या आएगा, नागौरी, और नागौरी बैल बहुत प्रसिद्ध होते हैं कृषि कार्य के लिए। तो कृषि कार्य के लिए कौन से बैल हैं, नागौरी बैल हैं। फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो गिर गाय है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो गिर गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, अजमेर रीजन या अजमेर ज़िले में पाई जाती है। गिर गाय कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अजमेर ज़िले में पाई जाती है। फिर से एक बार इस सवाल को देख लीजिए आप। क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल है, कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल है। नंबर एक पे है नागौरी नस्ल, नंबर दो पे है होलिकर, नंबर तीन पे है गिर, नंबर चार पे मालवी। तो दुधारू नस्ल कौन सी है, गिर नस्ल दुधारू नस्ल है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी या बहुउद्देशी है। द्विप्रयोजनी या बहुउद्देशी यानी कि वो दूध भी ठीक ठाक दे देती है और कृषि कार्य भी कर लेती है, तो वो द्विप्रयोजनी है और वो भार ढोने का काम भी कर लेती है। तो द्विप्रयोजनी नस्लों में वो नस्लें आती हैं। अब इसमें है ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी राठी और ऑप्शन डी थारपारकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थारपारकर। द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, थारपारकर एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भारवाही है, यानी कि भार ढोने के लिए कौन सी नस्ल उचित मानी जाती है। या यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल कृषि कार्य के लिए उचित मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी डांगी और ऑप्शन डी कांकरेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारवाही नस्ल होती है वो कौन सी होती है, नागौरी। कृषि काम करने के लिए और भार ढोने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है नागौरी, और नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं इस काम को करने के लिए। और हमेशा सवाल यही पूछा जाता है कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भारवाही है, नागौरी। या पूछा जाता है कि नागौरी नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है, कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त नस्ल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नस्ल विदेशी है। निम्न में से कौन सी नस्ल विदेशी है, अब आपको देखना है कि विदेशी कौन सी है, जो इंग्लिश नाम लगे आपको वही विदेशी है। ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी थारपारकर और ऑप्शन डी जर्सी। तो विदेशी नस्ल कौन सी हो जाएगी, विदेशी नस्ल हो जाएगी जर्सी। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, सॉरी इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। जो जर्सी नस्ल होती है उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ विदेशी नस्लों की अगर बात की जाए तो, सिर्फ और सिर्फ विदेशी नस्लों की बात की जाए तो। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, करण स्विस और करण फ्रिज गाय की संकर नस्लें कहाँ से विकसित की गई हैं। करण स्विस और करण फ्रिज गाय की संकर नस्लें कहाँ से विकसित की गई है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात, ऑप्शन सी राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, जिसको बोला जाता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से करण स्विस और करण फ्रिज दोनों नस्लों को विकसित किया गया है। ये दोनों ही संकर नस्लें हैं जो विदेशी नस्लों और देसी नस्लों दोनों के आपस में संकरण कराकर तैयार किया गया है।
ठीक है, ये आज की वीडियो में इतना था दोस्तों। अब आपके लिए एक सवाल है, इस सवाल का आंसर आपको बताना है और कमेंट करके बताना है। जो राइट आंसर देगा उसका नाम और उसका फोटो मैं अगले वीडियो में ऐड करूंगा, तो प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिए और आंसर बताना इसका। क्वेश्चन है, मक्का का वनस्पतिक नाम क्या है? मक्का का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोरगम बाइकलर, ऑप्शन बी ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन सी जियामेत और ऑप्शन डी साइसर एरिटिनम। इसका आपको आंसर बताना है कमेंट में, और जो आंसर सही देगा उसका नाम और फोटो मैं अगले वीडियो में विनर के तौर पर अनाउंस करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, फैला दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिल्कुल हम नज़दीक हैं, 1,00,000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से ये माइलस्टोन पूरा हो जाए, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।